आपने देखा ये 61 फीट के हैं हनुमान जी और यहाँ पे इनकी विशाल प्रतिमा बनाई गई है। हमने बताया कि अभी हम लोग रुके हुए हैं मोड़ा बिद्री के एक रिजॉर्ट में और हमने, यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं जिसमें हमने मोड़ा बिद्री रिजॉर्ट के बारे में दिखाया था, जिसमें इन द स्टेट रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट हम लोग वहाँ पे उस रिजॉर्ट में रुके थे और काफ़ी हमने मज़ा किया। तो अभी आप जैसा देख रहे हैं ये रूम वही है। इस रूम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इस रिजॉर्ट के बारे में। और हमने दुर्गा जी के एक टेम्पल के बारे में भी दिखाया था जो हम मैंगलोर से आते हुए हैं। तो मैं मोड़ा बिद्री के बारे में बता दूं तो ये मैंगलोर शहर से 35 किलोमीटर दूर है और जो काफ़ी हिली एरिया है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग जो है प्लेसेस टू विजिट इन मोड़ा बिद्री के लिए चल रहे हैं, लाइक दो तीन हमने काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस हमने नोट डाउन किया है। तो हम अभी इसी रिजॉर्ट में रुके हुए हैं और अभी हम निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए मोड़ा बिद्री को, जहाँ पे हम दिखाने वाले हैं आपको दो तीन ब्यूटीफुल सा प्लेस। और काफ़ी आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा फॉल झरना जो कि यहाँ से स्टेट रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट से 9 किलोमीटर है। तो लगभग हमें कितना टाइम लगेगा, आधे घंटे के आसपास। तो चलिए चलते हैं, अभी बज रहे हैं शाम के 4। हम लोग कोशिश करेंगे शाम से पहले आपको झरना, फिर एक हनुमान जी का मंदिर टेम्पल और दो तीन चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा कवरअप हो सकती है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वन बाय वन एकदम काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। हम लोगों ने वहाँ से बोला फॉल, लेकिन हमें रास्ते में सबसे पहले अन्नपूर्णेश्वर मंदिर मिल गया, टेंपल मिल गया, जहाँ पे हनुमान जी के विशाल मंदिर है, लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग काफ़ी मतलब आ चुके हैं टेंपल की ओर और आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ व्यू, देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो, ये देख सकते हैं बजरंग बली की मंदिर। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इस मंदिर के बारे में और साथ ही लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इस मंदिर के बारे में। और हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आगे है एंट्री पॉइंट, फाइनली पहुँचे हैं। लाइक हमें लाइक गूगल मैप से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप गूगल मैप के हेल्प से आप आसानी से पहुँच सकते हैं। मंदिर का नाम आप नीचे देख सकते हैं डिस्प्ले में। तो चलिए आगे वहाँ से एंट्री करते हैं। श्री देवी अन्नपूर्णेश्वर, यस। तो चलिए आगे चलते हैं और एंट्री करते हैं। बोलो भगवान चंद्र की जय। तो एंट्री गेट यहाँ से रुकना बाइक आ रही है। गाइस देख सकते हैं ये है एंट्री पॉइंट। एक्चुअली हम लोगों ने वहाँ पे रोका था, वो शायद पार्किंग के लिए अंदर जा सकते हैं क्या, फोर व्हीलर पार्किंग तो है। अंदर चलो, अंदर चलो, आई थिंक पार्किंग अलाउ है। रुक जाओ, ये क्या लिखा है, होसानंदु कोद्यादिका। तो ये टेम्पल है, शायद अंदर पार्किंग है, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर ही वो करेंगे। ये पार्किंग एरिया है शायद, किधर पार्क किया है। सो ये एंट्री गेट है और यहाँ पे इन्होंने सिटिंग के लिए ये सिटिंग बेंच टाइप में बना रखा है। देन यहाँ पे ये पूरा इन्होंने किसका, विष्णु जी का है। ओ ये शायद सागर मंथन जब होता है उसका इन्होंने पूरा बनाया है।
राक्षस, एक तरफ राक्षस और एक तरफ वो देवता। तो गाइज आपने ये फ्रंट गेट देख ही लिया है, ठीक है, जहाँ पे हमने दिखाया। और अभी मैं आपको और आगे का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये सामने जो देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों तरफ पार्किंग एरिया है, पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, ठीक है। अब मैं यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ कितनी बड़ी प्रतिमा है भगवान बजरंगबली की। और साथ ही साथ सागर मंथन आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देख सकते हैं भगवान नटराज जी का सुंदर सी प्रतिमा बनी है, साथ ही साथ यहाँ कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई। ये आप देख सकते हैं, और आप सागर मंथन की कहानी जानते ही होंगे। एक विशाल पर्वत को रख दिया गया भगवान विष्णु, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हैं इतनी बड़ी, ये सर्प देवता है, एक तरफ राक्षस और एक तरफ देवतागण, दोनों मिलकर सागर मंथन किए थे ताकि सागर में जितने भी छुपे हुए रत्न है वो आए। और नीचे आप देख सकते हैं कश्यप, लाइक कछुए का रूप लेकर भगवान विष्णु आए थे ताकि ये सागर मंथन का काम हो सके। तो ये सारा चीज इस पिक्टोरियल व्यू में दिखाया गया है। अब यहाँ पे आगे आएंगे तो ये देख सकते हैं, संजीवनी हनुमान स्टेचू, और हाइट इनकी 61 फीट की ये हनुमान जी हैं। यहाँ पे काफी विशाल बनाया गया, आप देख सकते हैं, जब संजीवनी बुट्टी लाने गए थे भगवान बजरंगबली उस समय का ये है। मैं कोशिश करता हूँ दूर से इस स्टेचू को दिखाने के लिए। आपने देखा ये 61 फीट के हैं हनुमान जी, और यहाँ पे इनकी विशाल प्रतिमा बनाई गई है। और ये हैं जब लक्ष्मण जी को तीर लगी थी और भगवान श्री राम की आज्ञा से ये संजीवनी बुटेला निकले गए थे, तो ये वहाँ का उस समय मोमेंट का ये दिया गया है, और काफ़ी अच्छे वे में दर्शाया गया है इसको। Thank you.
फ्रेंड, साईं बाबा की बहुत ही अच्छी प्रतिमा है। शिरडी के साईं बाबा की जय, जय साईनाथ। आप देख सकते गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। आपको इसके ऊपर यदि आपको जाना है तो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि इंट्रेंस के टाइम पे आपको चप्पल उतारने होंगे, तो हम लोग यहाँ पे चप्पल उतारते हैं और आगे देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सुंदर प्रतिमाएं हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और इस मंदिर को और आगे आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधे की। ओम श्री कृष्णाय नमः। हमने देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं शिव जी और पार्वती जी हैं, उनकी एक मंदिर है, काफी भव्य सुंदर है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए थे अंदर, अभी यहाँ पे अंदर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए हम अंदर का सीन नहीं दिखा सकते। अंदर में शिव जी की लाइक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, साथ ही साथ गणेश जी की प्रतिमा है और विष्णु जी वगैरह की सब की इमेज लाइक फ़ोटो बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा है, हमें दर्शन करके लाइक हमारा मन खुश हो गया है। और अभी हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस मंदिर के अंदर और सारी चीज़ें क्या हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखोगे तो नेचर की यहाँ पे कमी नहीं है, चारों तरफ हरियाली आपको दिखाई देगी। और इस मंदिर का बाहर से देख सकते हैं किस तरह से ये दिखता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी तरफ से एक मैंगलोर लाइक हम लोग जो मैंगलोर से यहाँ तक आए मुडुबिद्री की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा चीज हमने किया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं लाइक एक फॉल की तरफ, जो यहाँ पे एक हमने देखा है झरना एक देखा था हमने वहीं से, जो हमने आपको रिजॉर्ट से निकलने के टाइम में बताया, वहाँ पे चलते हैं और फिर इस वीडियो को वहीं पे एंड करेंगे। तक हम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं, यहाँ से आगे बाइक नहीं जाएगा जैसा कि रास्ता आते टाइम में हमने दिखाया। तो लगभग आपको अच्छे खासे रोड मिल जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसे होंगे क्योंकि गाड़ी को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। टू व्हीलर का ही बेसिकली रास्ता है, फोर व्हीलर से आप इधर नहीं आ सकते हैं, उसके लिए आपको पहले ही पार्क करना पड़ेगा। ये रास्ता देखा है, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इधर मिल रहा है, फॉल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें गूगल मैप यहीं तक लाया है। और आगे देख सकते हैं एक फोर व्हीलर है, तो मे बी यहाँ पे चांसेस है। देख सकते हैं फोर व्हीलर पार्क किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं हमें फॉल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये क्या लेक है क्या कि फॉल आ गया भाई? तो लोग हैं जहाँ पे अन्ना, फॉल किधर है? फॉल नहीं है। सो सॉरी।
नागुंडी। नागुंडी गुंदिया दिखा। हाँ तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जहाँ पे रिजॉर्ट में निकले रुके हुए हैं वहाँ पे हमने गूगल मैप से सर्च किया नियरेस्ट प्लेसेस, तो हमें लाइक वो चीज़ ही दिखाई गई। तो यदि आप यहाँ पे आते हैं तो लाइक इसलिए मैं अभी इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि यदि आप समर सीजन में आते हैं लाइक आप जून अप्रैल मई तक आते हैं तो आपको ये फॉल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी वहाँ पे लोग कुछ बैठे हुए थे उनसे हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि ये लाइक वाटरफॉल्स ओनली विजिबल ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो मे भी हो सकता है इसका जो वाटर सोर्स होगा जहाँ से भी होगा वो रेनी सीजन के ड्यूरिंग ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस रिजॉर्ट में और यहाँ से हम लोग निकले थे एक्सप्लोर करने के लिए और मुडबिद्री की ओर। तो यहाँ जहाँ पे हमने लाइक दो दिखाया, एक वाटरफॉल की तरफ हम लोग गए थे जहाँ पे वाटरफॉल अभी एक्चुअली में नहीं मिला हमें क्योंकि अभी रेनी सीजन नहीं है इसलिए नहीं मिला, और दूसरा एक हम लोग मंदिर की तरफ गए जहाँ पे हमने काफ़ी विशाल हनुमान जी की प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा और बहुत सारे भगवान जी की प्रतिमा दिखाई हमने। और अभी हम लोग रिजोर्ट आ चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है नाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास एक्चुअली लिमिटेड टाइम था इसलिए आज हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए, हमें कल मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट सदरेली निकलना है। फिर से कभी हम फिर से आएंगे मणुबुद्री और इस तरह चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे। तो इसी तरह की चीज़ें और देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह से टू ट्रेवल्स से रिलेटेड काफ़ी इंटरटेनमेंट और बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप इंजॉय कर पाएंगे। यदि आप मैंगलोर से हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम अभी मैंगलोर को वन बाई वन एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है।